आदित्य जो भी बातें कर रही है ना शादी के बाद, इस वक्त के लिए प्लीज लीव। मुझे शादी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पता है किसमें? वेडिंग नाइट में। आदित्य इस समय यहाँ से निकल जाओ। ओके लीव, जस्ट टेल मी यू लव मी वंस। हाँ एक बार बोलो ना यू लव मी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ ये सब बातें शादी के बाद, निकलो यहाँ से। ओके फाइन, यू नो व्हाट, बात नहीं करते हैं। Give me a kiss. Nonsense. You're right. Come here. Give me a kiss. Yeah. Come here. No. Give me a kiss. अब तो मैं बात करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ ना। I'm just asking for a kiss. शर्मा क्यों रही हो तुम? Aditya, please यहाँ से जाओ। बात तो ऐसे करियो जैसे पहले कभी किसी के साथ। Aditya, पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हुआ नहीं हूँ, तुमने बनाया मुझे और अब भी बना रही हो ये शर्मा के। शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे पहले कभी किसी को किस नहीं किया। But what do I care, right? मुझे तो एक किस चाहिए, किस तो मैं लेके रहूंगा। कम यू गिव मी चाहिए, कम यू गिव मी किस, कम यू सुमन मेरी बात सुनो। सुमन सुमन लिसन टू मी, या राइट स्टॉप इट, स्टॉप इट आदित्य, या राइट स्टॉप इट राइट। शादी से पहले औरों के साथ सब कुछ, और जिससे शादी हो रही है स्टॉप इट, व्हाट व्हाट Stop it! Just give me a kiss. No, come here. Come here. Just give me a kiss. Kyun tha na mujhe? Suman. Suman, mere chalo. Aditya, chalo. Suman, stop it! Stop it! Aditya, stop it! Suman, leave me, Aditya. Chalo mujhe. Come here. Come here. Aditya, chalo. Right. Come on. Come on. Aditya, come on. Aditya, stop it! You're lying to me. Come on. श्रवण तू क्या कर रहा है? श्रवण श्रवण क्या कर रहा तू? श्रवण क्या कर रहा तू? श्रवण 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 रुक। कैसे छुआ सुमो को? बंद कैसे छुआ? श्रवण
क्या कर रहा है सुबह को छोड़ दो उसे। सुमन, जो हमें लगा क्या वही हुआ है? आदित्य ने तेरे साथ जबरदस्ती, प्रीति सुमन को अंदर ले जाओ। जा बेटा, क्या ये सच है? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, क्या ये सच है? हाँ मां, लेकिन श्रवण, आज तूने खुद की इज्जत नहीं गवाई बल्कि मेरी इज्जत को अपने पैरों तले कुचल डाला। कितना बड़ा दाग दिया है तूने मेरी परवरिश पर। आज तूने साबित कर दिया मैं अपने दोनों बच्चों के लिए सही मानी साबित हूं। लेकिन मां, बस कुछ नहीं सुनना है मुझे। अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत बाकी है ना, तो चला जा यहां से। मां मेरी, तुझे मेरी कसम, जस्ट गो। आप सबने जो भी देखा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी नातन की शादी अब जो बर्बादी होनी थी हो गई। आप सब अपने अपने घर को चाहिए। जरूर, पर उससे पहले एक औरत हूं। तुझसे माफी मांग के अपने बेटे को नहीं बचाऊंगी मैं, पर सुन, जो हुआ शायद उसे
भूल ना पाए तू, और उसे अपनी जिंदगी मत बना लेना, क्योंकि अगर ये दिन तेरे दिल पर हमेशा के लिए अपनी बुरी छाप छोड़ गया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करता। उसकी परवरिश मेरे हाथों हुई है, तो उसके बाप की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा ये, और मैं तुझे तेरी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे नजर मिला तुझसे, जब खुद की नजरों में इतनी गिर चुकी हूं मैं। सॉरी तिवारी जी, अनिल तिवारी जी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। किसने सोचा था कि कोई इंसान ऐसी घटी हरकत भी कर सकता है, लेकिन आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, और आप फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुमन मेरी बेटी की तरह, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो अपनी सुमन की खुशी चाही थी शादी के रूप में, बर्बादी की नहीं। ऐसे लड़के के साथ लड़की की जिंदगी, बेचारी सुमन, उसकी तो किस्मत ही फूटी थी। और शायद हमारी भी, दीपक पानी रखना भी भूल गया। मम्मी जी, इतनी लेट नाइट जागे हो, वॉक कर रहे हो। अरे रामनाथ भाई साहब और श्रवण अभी तक तिवारी किला से वापस नहीं आए, उन्हीं की वेट कर रही। मम्मी जी आप कब तक वेट करोगे, नॉट स्लीपी? ना पुत्र जी, अरे सोने का समय गया, अब अगर सो गए तो हाथ में आया किस्मत से इतना चंगा इतना बड़ा मौका निकल जाएगा। मतलब बेवकूफ, अरे देखा नहीं क्या तिवारी किला में क्या हुआ है? देखा मम्मी जी, मुझे सुमन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं, सुमन के लिए मुझे भी बुरा लगा। हाँ, लेकिन हमारे प्लान के मुताबिक जो होना था उसके लिए तो मजे आ गए। बंटी पुत्र, इसको सब कुछ समझाना पड़ता है। अरे भाई, तिवारी किला में आदित्य ने जो करा, उसके बाद श्रवण ने जो करा, उसे देखकर तो मेरे कलेजे में ठंड बह गई।
रही उसकी एक एक लात, एक एक गुस्से में, एक एक थप्पड़ में। सिर्फ सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक घायल आशिक की तड़प थी। उसकी आंखों से जो बह रहा था वो लावा थोड़ी था, उसके दिल का खून था, खून। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? वैंडी पुत्तर, इसका मतलब हमारी कोशिशें कामयाब हो गई। श्रवण के दिल में सुमन के लिए जो मोहब्बत के अंगारे थोड़े थोड़े पूंज रहे थे, फिर से जल पड़े और ऐसे जले कि आग बन गए। मुबारक मुबारक, मोहब्बत की आग फिर से जल पड़ी है। आप भाई का मजा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया, ये क्या बात हुई? सुगंधी प्लीज थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भी भूख नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो खा लो। यहाँ आप कुछ नहीं खा रहे और वहां श्रवण सब चले गए हैं, लेकिन अकेला बाहर बैठा है। ना किसी से कुछ कहा है, ना कुछ खाया है, पानी तक नहीं पिया है उसने। पता है दी, आज श्रवण ने जो किया ना, उसके बाद मुझे बहुत हैरानी हुई और खुशी भी। हैरानी इस बात की कि आप दोनों का रिश्ता जो कि बहुत कड़वाहट में बदल गया था, उसके बाद भी उसे आपके खिलाफ कुछ भी होना बर्दाश्त नहीं हुआ। और खुशी इस बात की कि आज भी वो आपकी इतनी केयर करता है। जो बर्बादी होनी थी हो गई, अपने अपने घर को चाहिए। खाना खा लो प्लीज। नहीं, मन नहीं है। श्रवण, तुमने हमारे सारे रिश्ते खत्म होने के बाद भी आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, पता नहीं मैं उसका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। जिंदगी भर के लिए अपना कर्जदार बना दिया तुमने मुझे। मैं यहां सिर्फ नॉलेज के लिए रुका हूं। पापा को बहुत चिंता थी उनकी, तो रुक गया। पर अब डॉक्टर ने कह दिया कि वो स्टेबल है, तो प्लीज डोंट से थैंक्स। क्योंकि
क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। अपना ख्याल रखता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.